हेलो गाइस, आपसे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सरच है। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ध्यान देंगे, ये आपका टॉपिक है सॉलिड स्टेट का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको बार बार पूछे भी जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहता है कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जिसको अगर बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाएगा ना, तो दुर्बल उसे क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब कि आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित, ठीक है, रिपेल्ड होते हैं। तो वही कहता है कि दो टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड पुट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। This phenomenon is known as diamagnetism. यानी कहता है दो टाइप ऑफ सब्सटेंस, वैसे पदार्थ विच आर वीकली रिपेल, दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, पुट इन द डायमैग्नेटिक फील्ड, बाह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो क्या होते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित, तो मतलब कि ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ज्यादा रिपेल नहीं होते, थोड़ा सा रिपेल होगा, अट्रैक्शन तो दूसरा चीज होता है, यहाँ पे क्या है, रिपेल्सन है, ठीक है। तो वीकली रिपेल्ड होगा मतलब प्रतिकर्षित होगा, दूर भागेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा दूर भागने लगेगा, ठीक है। तो वैसे पदार्थों में क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों का पहचान क्या है, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का पहचान है कि इसमें नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा पेयर में होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, पेयर में, यानी कि जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा पेयर्ड में होगा। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। याद रखिएगा, एग्जांपल में आप ले सकते हैं जिंक ले सकते हैं, Zn+2 भी ले सकते हैं, Mg+2 ले सकते हैं, Ca+2 ले सकते हैं, बहुत सारा चीज ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, इसको याद रखेंगे, इसका नोट कर लेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका जो होता है, चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैं मान ली कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है √(n)(n+2bm), ये फॉर्मूला है √(n)(n+2bm), वेयर n बराबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बराबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब होते हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। याद रखो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, कैसे, ध्यान दें, जैसे मान लीजिए जिंक है, तो जिंक का हम क्या करेंगे, कॉन्फिगरेशन करेंगे, जिंक का क्या करेंगे, कॉन्फिगरेशन हो जाता है आर्गन 18, 18, 2, 20 और 20, 10, 30 हो गया। अब यहाँ पर देखते हुए एस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में आपको 10 इलेक्ट्रॉन है, एस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या है, 4s2 है, तो ये 4 में s 2 है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा फुल है, s में 2 होता ही है और d में 10 होता ही है, ये पूरा फुल है, इसलिए यहाँ पर n क्या हो गया, 0। तो जब n 0 हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जब n 0 हो जाएगा तो क्या बोलोगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि कोई भी सॉलिड डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक में ऐसा होता है कि डायमैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा जीरो आता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होता है। डायमैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक में बहुत सारा डिफरेंस है, ये आपको अभी वीडियो अपलोड हुआ है, जाके चैनल पर देख सकते हैं, बेशक।